युवा ब्राह्मण सभा परिवार ने सीईटी परीक्षार्थियों के लिए किया निःशुल्क आवास और भोजन का प्रबंध। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएस न्यूज राजस्थान। देखिए हमारे रिपोर्टर अमित भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट। अलवर जिले में आयोजित सीईटी परीक्षा के दौरान युवा ब्राह्मण सभा परिवार ने 3 दिनों में 300 से अधिक परीक्षार्थियों और उनके परिजनों को निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था प्रदान की। सभा के अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि यह पहल पिछले 8 वर्षों से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान की जा रही है। इस बार भी 22, 23 और 24 अक्टूबर को अलवर, मालाखेड़ा और किशनगढ़ बास में ठहरने और भोजन की सुविधा दी गई। धौलपुर, दौसा और करौली से आए परीक्षार्थियों ने इस सेवा के लिए युवा ब्राह्मण सभा का आभार व्यक्त किया। इस नेक कार्य में भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरि ओम कटारा और कई अन्य गणमान्य लोगों का सहयोग रहा। ऐसे ही ताज़ा तरीन और आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ब्राह्मण सभा परिवार की तरफ से विगत 8 वर्षों से अनवरत जो भी अभ्यर्थी अलवर जिले के अंदर आते हैं उन सभी के ठहरने, आवास एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा की जाती है। और ये कार्य विगत 8 वर्षों से किया जा रहा है कि अलवर के अंदर कोई भी अभ्यर्थी यदि आता है, इसी तर्ज पर सीईटी परीक्षा जो यहाँ पर अभी आयोजित हो रही है 22, 23 और 24 अक्टूबर को, तो आज उसका आखिरी दिन है और यहाँ पर सभी हमारे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। और हमारा ये लक्ष्य रहता है कि जो भी अभ्यर्थी बाहर से आया है उसको किसी प्रकार के सेंटर ढूंढने से संबंधित है कोई भी असुविधा नहीं हो, तो इसी उद्देश्य के साथ में सभी युवा कार्यकर्ता मिलकर अलवर सहित खैरतल में, किशनगढ़ बास में, रामगढ़ में और मालाखेड़ा में व्यवस्था की गई है कि अभ्यर्थियों को परेशानी नहीं हो, इस उद्देश्य से ये निःशुल्क सुविधा विगत 8 वर्षों से आयोजित की जा रही है।